अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी फ्रूट चाट। तो चलें आए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स हैं, अमरूद, नाशपाती, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, केला, और ये लेमन जाएगा, चाट मसाला जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगी, शुगर 4 टेबल स्पून है, 1 टी स्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, और ये ऑरेंज जूस है। चलें अपने फ्रूट्स को काटते हैं और फिर हम आपको बनाना दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा फ्रूट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कि 1 कप ऑरेंज जूस, ये 7 या 8 टेबल स्पून के करीब शुगर है, ये डालेंगे, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, और ये 1 लेमन जूस है, ये ऐड करेंगे। अब मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। आज फ्रेंड्स, आपको हमने पकौड़े बनाना सिखाने हैं जो कि झटपट से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सारा कुछ रेडी करके रखा है। तो चलें देखते हैं मैं अपने पकौड़े किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये प्याज कटी हुई है चॉप्ड, आलू हमने कट करके रखे हुए हैं, यह हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 टी स्पून चाट मसाला है, हरा धनिया है, पानी है, ये 1/2 प्याली बेसन है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली है, और ज़ीरा और धनिया है कुटा हुआ, हल्दी है, और ये तिल हैं। तो आटा डालना स्टार्ट करते हैं, फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये हमने आलू, प्याज, हरी मिर्च मिक्स कर ली है। अब हम अपने मसाला जात, चाट मसाला, कसूरी मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से डाल लें निकाल के, और ये अपने हल्दी, धनिया, ये सब मिक्स करेंगे, कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे, हरा धनिया डालेंगे, पहले अच्छे से मसाला कोटिंग कर लें, मिक्स कर लें। प्याज अपना पानी को छोड़ती है और मैं मसल लेती हूँ हाथ से बहुत अच्छे से, ताकि प्याज और सब अपना पानी कुछ देर में फौरन छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल कम ही करेंगे, तो आपके खूब क्रिस्पी बनेंगे। सब मिला के वापिस आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी डालें। ये देखें, हमारा ये मिक्सचर पकौड़ों का तैयार हो गया है। इसमें हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब ही इसमें पानी डाला है और कुछ नहीं। 1 कप इसमें बेसन डाला है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए जी, पकौड़े हमारे कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन गोल्डन से। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी हो गई है, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ाज भी बहुत मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। तो ये आज की मेरी 2 वीडियोस थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।